ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। ये वाले कपड़े अच्छे हैं ना? नहीं ये नहीं पसंद आए, बेकार शो। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी मॉडलिंग स्टार्ट कर दो। हाँ, आजकल की ऐसी भूतनी जैसी मॉडल से तो अच्छी लगेगी। यार बुरी बात ऐसे नहीं कहते। अरे यार सॉरी, गलती हो गई। नहीं अब इसमें गलती वाली कौन सी बात है? पूछोगी नहीं सॉरी क्यों बोला? अरे यही भूतनी वाली बात। नहीं तुम्हें मॉडलिंग का मशवरा देने वाली। अरे क्यों? क्योंकि जिस तरह के तुम मशवरे दे रहे हो तुम्हें उस तानी का मशवरा देना चाहिए था। अरे बाबा जरीना, जरीना किधर है बाबा? अरे मेरे पास रखवा कर गए थे क्या? अरे बाबा जरीना सुबह से ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रही है। ओहो कहाँ जाना है उसने? कोई काम काज तो है नहीं, बिस्तर तोड़ती रहती है सारा दिन, यहीं कहीं होगी घर में। अरे बाबा सुबह से ढूंढ रहा हूँ जरीना को, नहीं मिल रही है। बाबा जानी आए हुए हैं, वो कब से पूछ रहे हैं और आप यहाँ फ्रेंडशिप में लगी हुई है। अच्छा सीमा हम लोग चलते हैं, ठीक है? अच्छा चलो ठीक है। आपसे पूरे घर में एक जरीना वाइफ नहीं ढूंढी जा रही। अरे बाबा आप ढूंढ दो, मैं तो एक घंटे से ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिली है। जाओ ढूंढो, जाओ। ठीक है फिर मैं ही ढूंढ के दिखाती हूँ। जाओ बाबा जाओ। बाबा देख क्या रही थी, आवाज आ रही थी म्यूजिक। वाह 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 वा। जरीना, ओहो कब से अंदर बुला रही है तुम्हें, तुम आवाज क्यों नहीं सुन रही हो? मुझे मालूम है मेरा शौहर यहीं पर है। क्या बकवास कर रही हो? तुमसे पूछ रही हूँ। मैं अपने शौहर को ढूंढ रही हूँ। कहाँ? यहाँ गार्डन में। पागल पागल हो गए हो, वैसे तो मिलता नहीं, इस तरह की हरकतें करोगे तो जो मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा। मिलेगा जरूर मिलेगा, वो यहीं पर है। किधर है भाई? इस गाय के पीछे है क्या? तो डर गई तुमसे। दादा ड्रामे नहीं करो, समझी? अंदर बच्चों और बाबा साहब बुला रहे हैं। काम नहीं करने के बहाने चाहिए बस इसको तो। वो यहीं पर है, वो यहीं पर है, मिलेगा जरूर मिलेगा, मेरा शौहर यहीं पर है, मिलेगा मिलेगा, वो यहीं पर है। अड़ी बाबा ये मैं किधर बैठी हुई हूँ? बोला मेरे बाल क्यों खुले हुए हैं? कुड़ारे अदा बाबा साईं अदा। चावल तो खिला मेरे को। बाबा साईं एक काम कीजिएगा, रात बहुत हो गई है, सुबह फजर होते ही ना चले जाइएगा। अच्छा मैं समझ रहा हूँ सारी तेरी बातें, तू चाहता है कि सुबह जो है ना जब तुम उठो तो मेरी शक्ल ना देखो, मैं पहले से जा चुका हूँ। नहीं बाबा मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ, दुनिया क्या बोलेगी? कुछ परवाह है बच्चू, देख तू शहर में आकर बिल्कुल शहरियों जैसा हो गया है। तू फिक्र न कर, मैं दो चार दिन रुक कर फिर जाऊंगा, मैं किसी जरूरी काम से आया हूँ, वो पूरा करके फिर निकल जाऊंगा। जानी, अरे जानी आ गया आ गया, ये ले ले। अरे आप आए हुए, टैक्सी मंगानी होगी ना? है ले आऊं, ले आऊं टैक्सी। मैं ये कहना चाह रहा था कि आज रात मैं तुम्हारे कमरे में सोऊंगा बाबा। कैसी बातें कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे? मेरा मतलब मैं कहाँ सोऊंगा?
अरे बाबा मैंने कहा मैं तेरे कमरे में सोऊंगा, कब्र में नहीं। तेरे कमरे में इतनी जगह भी नहीं बाबा के दो आदमी वहां सो सके। नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा कहने का मकसद ये था आखिर आप बच्चू साहब के वालिद हैं, मैं एक मामूली सा नौकर। नहीं नहीं वो बस मुझे लग रहा है कि वो बच्चू और जरीना जो ना कि मुझे जो है ना लान में सुला दें, इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैं खुद से तुम्हारे कमरे में थोड़ा सा थोड़ी सी जगह तो बना लूं। बाबा जानी खाना खाओ। क्या खाना खाऊं? अरे मैं चटनी भूल गया, वो लेके आता। बाबा क्या हुआ? अरे क्या हुआ बाबा, क्या हुआ? वो चोर है बाबा। के चोर हो रहे हैं, पता नहीं डर लग रहा है, सब चल के तो कुछ बोल रहे हैं चोर आया है। यार बाबा घर में कोई है? बाबा साहब चलो नहीं आ बाबा जी। अच्छा आओ बाबा जी, आओ आओ। अरे अरे ये क्या हो गया? अरे बाबा चरी ये क्या कर रही है? अरे देख नहीं रहा मेरी बेटी को भूख लगी है, पतीला चाट रही है वो। मैं अपना चाटूंगी। अच्छा अब समझ में आई मुझे। बाबा क्या मतलब, क्या समझ आई? अरे शाम को जब आप लोग इसको ढूंढ रहे थे ना, तब गार्डन में बैठी हुई यही बकवास कर रही थी। अच्छा ये किस्सा अभी तक चल रहा है? अरे जरीना बाबा होश में आओ, क्या बदतमीजी है। जरीना तेरे लिए दूल्हा कहाँ से ढूंढेंगे इतनी रात में बाबा। अरे बाबा क्या कर रही है, सारे बर्तन तोड़ेगी क्या? मुझे तो लगता है पागल हो गई है। मैं पहले से शादी शुदा हूँ, मैं अपना शोहर ढूंढ रही हूँ, कहाँ है मेरा शोहर? अरे चरी शादी से पहले शोहर नहीं होता है। चुप कर जा, तूने छुपाया मेरा शोहर। बाबा इसकी तबीयत बहुत खराब है, किसी डॉक्टर को बुलाओ। बच्चू जानी जल्दी से इंजेक्शन लेकर आओ। मेरे अब्बा की डिस्पेंसरी है क्या? ओ, जो पापा को दिया था ना डॉक्टर ने, वो रखा भाई रहो, लेकर आओ। नहीं बाबा इंजेक्शन कोई नहीं लगाएगा बाबा। अरे यार ओ, जा बाबा जा इंजेक्शन लेकर आओ बाबा, जल्दी कर बाबा। अरे क्या बाबा कितनी भयानक रात थी बाबा। रात से ज्यादा तो जरीना भयानक लग रही थी। ओहो तो हमेशा ही भयानक लगती है, इसमें कौन सी नई बात है? बाबा जानी आप अभी तक गए नहीं गाँव। अरे बाबा अरे बेटा बेटा आओ तुम भी खाना खाओ, बैठो इधर आओ बैठो, रात से तुमने खाया कुछ नहीं है ना। मेरा शोर कहाँ है? अरे बाबा इसकी ट्रेन तो अभी तक उसी स्टेशन पे खड़ी है जहाँ रात में खड़ी थी। मैं पूछ रही हूँ मेरा शोर कहाँ है? अरे बाबा तुझे नहीं पता हमारे दूध के बारे में, शोर बनाने का काम नहीं है हमारा। शोर नहीं मिला मैं बाबू तेरा। सीमा मैडम इस तरह तो आपके जहेज के सारे बर्तन टूट जाएंगे। तुम लोगों को जहेज के बर्तनों की फिक्र है, मेरी बेटी का आपने हालत देखी नहीं? अरे बाबा जानी मुझे तो कोई और मसला लगता है, इसमें कोई असर है। बच्चू भाई जरीना के ऊपर किसी बात का कभी असर हुआ है? अरे बाबा मैं उस असर की बात नहीं कर रहा, मैं आसेब की बात कर रहा हूँ। क्या कह रहे हैं आप? बाबा मुझको तो लगता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे तो गांव जाना चाहिए, वैसे बहुत जरूरी काम याद आ गया है मुझे। नहीं बाबा जानी नहीं, आप गांव वापस ना जाएं, बल्कि मैं तो कहता हूँ गांव से और बंदे बुलवा लें बाबा, रौनक रहेगी ना तो खौफ कम हो जाएगा। ओहो ये कोई आसेब वासेब नहीं है, सिर्फ ड्रामा है, शादी शादी करते करते बात दिमाग से चली गई और कोई बात नहीं है। अरे बाबा सीमा कुछ भी करो इस मसले का हल निकालो, मैं अपनी बहन को इस हालत में नहीं देख सकता, ऊपर से घर के बर्तन भी कम हो रहे हैं। क्या करे बच्चू भाई बनाया? सोचो बाबा। खट्टा मीठा खट्टा मीठा। मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये कोई आसेबी मसला नहीं है। अरे बाबा तो क्या सियासी मसला है, अजीब बात करती हो बेगम। सीमा मैडम इस दफा मैं बच्चू भाई के साथ हूँ, मामला कुछ और ही लग रहा है। बिल्कुल है, मगर वो नहीं जो तुम लोग समझ रहे हो। अच्छा तो फिर क्या है? दिमागी मसला है ये। दिमागी? दिमाग है उसके पास? क्या मतलब है बाबा? मेरे
ऐसा कैसे दिमागी मसला? मेरा मतलब है उसके दिमाग में कोई बात घुस गई और उसको इलाज की जरूरत है। क्या कहना चाहती है बेगम आप? ये मेरी बहन पागल है। नहीं, मैं कहना चाहती हूँ उसकी वजह से हम सब पागल है। और वैसे भी आप दोनों मुझे खुद एक बात बताएं, जरीना की जिंदगी की वो एक वाहिद क्या ख्वाहिश? शादी। बाबा, तो कभी कभी जब इंसान की ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो वो उसका असर अपने दिमाग पे ले लेता है। वाह मैडम, आप तो डॉक्टर भी हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो मैंने एक फिल्म में देखा था। अरे बाबा, वो फिल्म मुझे भी तो दिखाओ ना। इस माहौल में अपनी फिल्म बनी हुई है, आपको फिल्म की पड़ी हुई, तो फिर क्या करें बाबा, तुम बता दो। किसी को रीना के सामने उसका शौहर बना के भेज दे, इससे क्या होगा भाई? इससे उसके दिमाग को सुकून आएगा और शादी का बोझ उसके दिमाग से उतर जाएगा। हरगिज नहीं बाबा, ऐसा नहीं होगा। हमारी इज्जत ऐसे नहीं उछल सकती है। अच्छा बाबा बताओ, करना क्या है? जानी मैडम प्लीज, मेरे पे रहम करें। वो औरत के रूप में मुझे कबूल नहीं थी, आप भूतनी के रूप में कबूल करवा रही। चुप करो बाबा, मानना पड़ेगा तुमको। अरे कुछ नहीं होगा, उल्टा ये तो तुम्हारा अंबर बहुत बड़ा एहसान होगा। हाँ बाबा, ये बात तो है। अच्छा फिर बता करना क्या है? देखो, तुम अंदर जाके जरीना को बोलोगे। भला और कौन? तुम मेरे शौहर नहीं हो सकते। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें याद करवाता हूँ। एक दफा का जिक्र है कि हम दोनों कुछ कर रहे थे। अरे मैं ही हूँ तुम्हारा शौर, याद करो तुम। एक दफा हम दोनों पता नहीं क्या कर रहे थे, बहुत ही जबरदस्त दिन था, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, तुमने मुझसे कुछ कहा था, पता नहीं क्या कहा था। इन सब बातों से क्या होता है, मैं तुम्हारा शौर हूँ और तुम मेरी बीवी। मैं वापस आ गया हूँ, इतना काफी नहीं है क्या? देखो ऐसे मत करो, ऐसे मत देखो। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। मार दूंगी। कहाँ है मेरा शौर? अरे बाबा क्या कर रहे हो तुम लोग, मुझे तो कोई समझ में आ नहीं रहा ना। अरे तो बाबा जानी आप बता देना क्या करें। बाबा मुझे तो गांव जाने दो, बड़े काम है मेरे उधर रखे हुए, मैं तो जा रहा हूँ। जानी जानी ये क्या हो, तुम ठीक हो? क्या खाक ठीक हूँ मैं? वो उठा उठा के उसने मुझे पटका, मत पूछो। और इतनी ताकत एक औरत में, कमाल। आए जा कह रहे हो तुम? बस बस इतना मैं आपका साथ दे सकता था, बोले तो बाहर से मैं इस्तीफा लिख के आपको भेज दूं, मैं तो चला। नहीं 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 जाने, तुम अभी जा नहीं सकते, अभी रुको। बाबा अब तो आपको यकीन हो गया या नहीं हुआ अभी भी यकीन? नहीं मुझे ऐसी बातों पर कोई यकीन नहीं। अरे बाबा एक तो शहरी लोगों का ये बहुत बड़ा मसला है। बाबा जरीना बस अब बहुत हो गया ये ड्रामा, बंद करो ये सब। कहाँ है मेरा शौर? बचाओ, छोड़ो मेरा शौर। जरीना छोड़ दो मुझे, बच्चों से मार दो मेरे बच्चों ने। मैं तुम लोगों का खून पिलाऊंगी अगर तुम लोगों ने मेरा शौर। बचाओ, कहाँ है मेरा शौर? छोड़ दो, चलो 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 बाबा। कहाँ है मेरा शौर? बेगम अब यकीन हो गया कि नहीं हुआ? नहीं 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 यकीन हो गया। अरे मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो? अरे बाबा
अरे बाबा तुम इस उम्र में क्यों यतीम बनना चाहते हो, मुझे गांव जाने दो ना बाबा। अरे बाबा जानी, जब हम चाहते थे कि आप यहाँ से जाओ तब आप यहाँ टिके हुए थे, अब हम पर बुरा वक्त है तो अब आप यहाँ से भागना चाहते हो, वो भी अपनी बेटी को इस हालत में छोड़कर। कैसे बाप हैं आप बच्चू? बाबा वो मेरी बेटी नहीं है, वो भूतनी है ना बाबा। अरे बाबा ये क्या है? अरे जानी तुम सफाई सही तरीके से नहीं करता है, बाबा को ना घर से बदबू आ रही है। ओ चुप करो एक मिनट, मेरे को इधर से बहुत गंदी बदबू आ रही है। वो जो लड़की अंदर मौजूद है ना, उसके अंदर चुड़ैल है और वो चुड़ैल अपने शोर को ढूंढ रही है। मैडम ओहो, ये बात तो मुझे पहले दिन से पता है, इसमें कौन सी नई बात है? लेकिन इस दफा ज़रीना में तो असली चुड़ैल मौजूद है पगल। ए बाबा आपको नाम कैसे पता? मेरे को उसका नाम भी पता है, उसके घर का भी पता है। अरे बाबा अगर तुमको ये सब चीजों का पता है तो क्या मुझे ये बता सकते हो कि मैं गाँव सही सलामत जिंदा सलामत पहुँचूंगा? मेरे दादा का उम्र हो के तुम मेरे को बाबा बार बार बोलती है। ओहो आप ये बात छोड़े ना, आप ये बताएं किस तरह किसी भी तरह भूतनी हमारी जान छुड़वा दे। तो मैं तुम लोगों को क्या इधर माशी थुलम पढ़ाने के लिए आया हूँ? चलो आज मेरे पीछे, मैं जाती हूँ अंदर, आज मेरे पीछे, डरो नहीं डरो नहीं, आज मैं भी अंदर जाती हूँ, आज मेरे पीछे पीछे आज। बाबा क्या लाए तुम बाबा भाभी? आज आज जानी आगे चलो ना यार। खट्टा मीठा खट्टा मीठा। बाबा क्या हो गया, सर्दी लग गई, उससे कांप रहे हो, क्या हुआ? चुप करो जोश जोश बारा जो जोश। अरे बाबा उसका नाम जरीना है। वो पागल है, मैं भूतनी को बुला रहा हूँ, जरीना को कौन बुलाएगा? अरे वाह आपको भूतनी का नाम भी पता है? मेरे को तो उसका मोबाइल नंबर भी पता है। भूतनी के शौहर आप ही तो नहीं हो? मैं सिंगल हूँ मैडम। जोशी जोशी बारा और ना तो मैं आता हूँ फिर अंदर तेरे को लेने के लिए। अभी तू बचा यहाँ से, भगाने आया है। तो मैं क्या तेरे को इधर बचाने हूँ, तेरे को मैं निकालने आया हूँ इधर से, मार मार के निकालूंगा तेरे को इधर से। मैं अपने शौहर के बगैर जान से नहीं जाऊंगी। देख तुम लोगों ने इंसानों की बीवियों की तरह ये भूतनी भी अपने शोरों को कब्र तक नहीं छोड़ेंगे। पागल है, जब भी तो मैंने शादी नहीं की है। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं। कैसे नहीं जाएगी, तेरा तो अच्छा भी जाएगा। चल नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। बच्चू मार मार इसको। अरे वापस आई मेरी बहन जरीना को मार दे, तेरी इतनी हिम्मत, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अबे भागो बाबा जी भागो, अरे बाबा हम नहीं छोड़ेंगे इसको, अरे बाबा नहीं छोड़ेंगे, इसने हमारी बहन को मारा है। अच्छा जरीना को देखो बाबा, जरीना को सीमा उठाओ, जरीना को उठाओ बाबा। जरीना बेटा फिर से भूत नहीं आ जाएगा? जरीना जरीना बाबा, मैं यहाँ जमीन पे बना क्या कर रही हूँ? ये तो ठीक हो गई। ठीक हो गई? देखा था इसे नहीं, मेरे को यहाँ पे सुलाया होगा, तुमने कुछ भी नहीं बोला इसको अभी तक। अरे नहीं बाबा ऐसी बात नहीं है, तू मत पूछ के तेरे साथ क्या क्या हुआ है। क्या हुआ भला मेरे साथ? बाबा दफा कर, रहने दे, लनत भेज बाबा, जो हुआ जो हुआ। रोना नहीं है जरीना, रोना नहीं है। जानी को तुमने उठा उठा के मारा, उसके बाद तुम इतनी जोर जोर से झाड़ू मारे तो तुम्हारे अंदर से निकला है। बाबा इतना सब कुछ सुन के मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे सिर्फ यही नहीं, तुमने तो हम सबको खूब मारा भी था। अरे गुड़ाड़े किसे किसको मारा भला? मुझे, बच्चू भाई को और सीमा मैडम को। बाबा मैं बच गया था। मैडम को मारा तो कोई बात नहीं, लेकिन बाबा मैं आप सब लोगों से माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं बाबा, कोई बात नहीं, बहन है अपनी हो जाता है। दिल तो नहीं चाह रहा माफी मांगने का, लेकिन चलो। हाँ बस खुशी की बात ये क्या वो भूतनी चली गई और जरीना ठीक। हाँ अल्लाह का शुक्र है बाबा मैं ठीक हो गई। अरे बाबा ये क्या हो गया? जानी तुमने बिल भरा था बिजली का? बिजली का बिल दिया था किस्तों में। अच्छा।
अरे बाबा कौन हो भला, तुम हंसते रहोगे भला, बताओ तो तुम हो कौन? मैं वो हूँ जिसे भूतनी ढूंढ रही है। क्या क्या मतलब? मैं उस भूतनी जोशी का शोहर हूँ। मैं उससे तंग आकर हजारों साल से यहाँ आराम से रह रहा था, मगर उसे शक हो गया और वो मुझे ढूंढती हुई यहाँ भी आ गई। मगर आप लोगों का शुक्रिया उसे भगाने के लिए। अब वो कभी नहीं आएगी और मैं हमेशा यहाँ आराम और सुकून से रहूंगा हजारों साल। अल्लाह, इतने सालों से हम भूत के साथ रह रहे थे, शुक्र है मालिक का कि वो चला गया। जानी जल्दी से जरीना के लिए एक गिलास ठंडा पानी लाओ बाबा। खैरियत तो है, अलग में कोई चीज फंस तो नहीं गई? अरे नहीं बाबा, इसको ठंडा करना है वरना हम सब के लिए मुसीबत हो जाएगी। जाने भाजे भाजे भाजे, तुमको पता ही क्यों लोगों का फोन और मैसेज आ गया और वो मेरा ऑपरेशन करने के लिए घर में आ रहे। क्या तुम अपने गले का ऑपरेशन करा रही हो? अरे नहीं नहीं, मैं नहीं कर रही बाबा, वो खुद ही करने के लिए आ रहे हैं। अरे बाबा गाने का मुकाबला है, बाला को कुश्ती सुश्ती थोड़ी लड़े। अरे बाबा मेहनत का मतलब है तुझे फयाज करना होगा। ये बाला फयाज को फिर मैं बाला कहाँ से ढूंढूंगी? अरे नहीं जरीना, रुक जा बाबा, ये क्या कर रही है? अरे अदा क्या हो गया भला, मेरे को पीने दो। अरे नहीं जरीना, इंसान उदास होता है तो ऐसा नहीं करता है। अदा की खातिर बाबा, जाने की खातिर बाबा, ऐसा नहीं करना। ये शीशी मुझे दे दो बाबा। किससे मिलना? क्यों हिलना है? क्या जलजला आ रहा है? हिलना जरूरी है क्या? मेरा मतलब कौन हो भाई, कौन? हाँ कौन? अब चाय के साथ, बिस्किट वगैरह के साथ पॉपकॉर्न भी चलेगा भाई, सब खाएंगे। चलो चलो अंदर, चलो जल्दी चाय लगाओ। अब आप तो सुनो, बात तो सुनो। वाह 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 वाह, ओए 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 ओए, ये है टैलेंट, ये होता है टैलेंट। इम्प्रोवाइज नहीं मतलब क्या है, वट्टा सट्टा जो नो करवो जाकर भी अंदर भी है बाहर।